दोस्तों आपके पास पोर्चुलका कितने कलर का है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे पास टोटल जो है 6 कलर के पोर्चुलका प्लांट हैं, जो कि देसी में, हाइब्रिड में नहीं, देसी में। आपके पास कितने कलर हैं कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कितना प्यारा कलर है, ये जो है कुछ रेड कलर में है, तो ये जो है रेड कलर है, और इधर जो है आप देख सकते हैं येलो कलर। अभी जैसे कि आपको पता है विंटर सीजन आने वाला है और समर सीजन जो है ऑफ हो रहा है, तो ऐसे में जो है क्या है पोर्चुलका का फ्लावर का साइज छोटा हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो है एक रेड कलर में है और एक जो है ये येलो कलर में है, और तीसरा कलर आप ये देख सकते हैं ये वाइट है। इस वाइट वाले का फ्लावर साइज कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है, विंटर सीजन आने वाला है इसलिए, और जैसे जैसे विंटर सीजन आएगा वैसे वैसे ये जो पोर्चुलका का प्लांट है ये डोरमेंट हो जाएगा और फ्लावरिंग बंद कर देगा। और ये तीसरा वाइट हो गया, ये चौथा देखिए आप, ये वाइट पिंक मिक्स है वेरीगेटेड। तो ये जो है चौथा कलर है मेरे पास पोर्चुलका में, ये देसी में है, हाइब्रिड में नहीं। और देसी पोर्चुलका का प्लांट जो रहता है वो परमानेंट रहता है, हाइब्रिड क्या रहता है वो सिर्फ 3 से 4 महीना प्लांट जो फ्लावरिंग करता है उसके बाद प्लांट ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये जो देसी पोर्चुलका रहता है ये ख़त्म नहीं होता है, ये परमानेंटली चलता है। और इधर जो मैं आपको पांचवा कलर दिखा रहा हूँ वो आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट कलर है, ना तो ये गुलाबी है ना रेड है, ये जो है कौन सा कलर मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे तो कुछ खास समझ नहीं आ रहा इस कलर का। तो ये जो है पांचवा कलर है, और जो छठा कलर है वो तो कॉमन कलर है, हर नर्सरी में आपको आसानी से मिल जाएगा ये पिंक कलर देखने को। तो टोटल मेरे पास जो है ये 6 कलर हैं पोर्चुलका में। और कुछ व्यूवर्स के कमेंट आते हैं कि हमारे पोर्चुलका में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर कलियां नहीं आ रही हैं, तो दोस्तों आप इस देसी पोर्चुलका प्लांट को जो है फुल सन में रखिए, और जो है मंथली एक आध दो बार जो है कोई भी ऑर्गेनिक में लिक्विड मैन्यूर डालते रहिए, फिर मंथली कोई भी बैलेंस एनपीके डालते रहिए, तो प्लांट जो है अच्छे से फ्लावरिंग करते रहेगा। लेकिन विंटर सीजन अब जैसे कि आ रहा है तो आपको कोई भी फर्टिलाइजर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लांट जो है अब डोरमेंट हो जाएगा विंटर सीजन में, और फिर से जो फरवरी में जो है स्प्रिंग सीजन आते ही ये प्लांट जो फिर से न्यू ग्रोथ के साथ फ्लावरिंग शुरू कर देगा। तो आपको जो है अब आने वाले समय में इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं डालना है विंटर सीजन के दौरान, बस इसको जो है आपने विंटर सीजन में फुल सन वाले स्थान पर प्लेस कर देना है और कुछ नहीं करना है। सप्ताह 10 दिन में टॉप सोइल के ड्राई होने पर आपको पानी देना है। और आपको यदि इन पोर्चुलका प्लांट्स की कटिंग चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें और चैनल के साथ जुड़े रहें। अभी जैसे कि सर्दी का समय आने वाला है तो ये प्लांट जो है डोरमेंट हो जाएंगे, ग्रोथ बिल्कुल बंद कर देंगे, लेकिन स्प्रिंग सीजन में जब ये प्लांट फिर से हरे भरे होंगे, अच्छी ग्रोथ करेंगे, तब ये प्लांट काफ़ी बड़े हो जाएंगे, तब मैं आपको इनकी कटिंग दे सकता हूँ। तो फरवरी महीने के बाद आपको जो है अप्रैल मई में आपको इनको इनकी जो कटिंग है वो मिल जाएंगी। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, इन 6 पोर्चुलका प्लांट के कलर्स जो हैं मेरे पास अवेलेबल रहेंगे, मैं इनकी कटिंग्स आपको दे पाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।